गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक चल रहा है पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, बीएससी पार्ट सेकंड, जो अपना पेपर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें अपना टॉपिक है चार टर्मिनल जाल के प्राचल। फोर टर्मिनल नेटवर्क, इसको टू पोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। फोर टर्मिनल नेटवर्क या फिर टू पोर्ट नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, आज अपन उसके पैरामीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपने पास में एक फोर टर्मिनल नेटवर्क दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी अपन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर दो अपने पास में इनपुट टर्मिनल हो गए और दो ही अपने पास में आउटपुट टर्मिनल हो गए, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोर टर्मिनल नेटवर्क। एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट ये हो गया, इसलिए ये क्या कहलाता है, टू पोर्ट नेटवर्क भी कहलाता है। आगे अपन इसका अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर अपने पास में पैरामीटर की जब अपन बात करते हैं तो फोर टर्मिनल नेटवर्क के निम्न तीन पैरामीटर होते हैं। निम्न तीन चार टर्मिनल जाल के निम्न तीन प्राचल होते हैं, तीन प्राचल होते हैं। ये तीन जो प्राचल होते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर लिखो जेड पैरामीटर या फिर जेड प्राचल, इसको अपन बोलते हैं जेड प्राचल, जेड पैरामीटर या फिर ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। तो पहला जो पैरामीटर है वो क्या कहलाएगा, जेड पैरामीटर कहलाएगा, और इसी का जो नाम है वो ओपन सर्किट इम्पीडेंस प्राचल अर्थात खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। सेकंड आप नोट करो वाई पैरामीटर, वाई प्राचल ऑब्लिक वाई पैरामीटर ऑब्लिक शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं लघु पथित प्रवेश्यता प्राचल।
और तीसरा जो पैरामीटर है वो है अपना एच प्राचल, एच पैरामीटर। एच पैरामीटर और इसी का दूसरा नाम है हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, तो ये अपने पास में फोर टर्मिनल नेटवर्क के तीन पैरामीटर है, आपको ध्यान में रखना। एक कहलाएगा जेड पैरामीटर, एक कहलाएगा वाई पैरामीटर और एक कहलाएगा एच पैरामीटर, एच पैरामीटर। पूरे नाम अपन देख चुके हैं इनके, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट लगाओ आप जेड पैरामीटर। पहला पॉइंट अपन अध्ययन करते हैं इनका जेड पैरामीटर, ठीक है, और इसी का नाम है ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। देखो अपने पास में ये फोर टर्मिनल नेटवर्क है, टर्मिनल वन वन, टर्मिनल टू टू, यहां पर नेटवर्क। ये जो अपने पास में वन वन टर्मिनल है इनको अपन इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, और यहां पर जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं कितनी है V1, और यहां पर जो करंट है वो कितनी है अपनी I1। जो टर्मिनल टू टू दे रखे हैं वो अपने पास में आउटपुट टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो अपन मान लेते हैं कितनी है V2, और यहाँ पर जो धारा है वो कितनी है I2। यहाँ पर जो बॉक्स के रूप में दिया हुआ है ना, इस बॉक्स के रूप में अपने पास में प्रतिरोध प्रेरकत्व इंडक्टर संधारित्र कैपेसिटर ट्रांसफार्मर आदि रेखीय प्रतिबाधा के अवयव है। ये रेखीय प्रतिबाधा अवयव दे रखे और रेखीय प्रतिबाधा अवयव होने के कारण हमें पता होना चाहिए कि इनका वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र
सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होता है। तो वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक कर्व स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज वो हो गई अपने पास में V1, आउटपुट वोल्टेज V2, इनपुट करंट I1, आउटपुट करंट I2। तो इनपुट और आउटपुट करंट और वोल्टेज यहाँ पर V1, V2, I1, I2 दिए हुए हैं। अगर अपने पास में पहला तीर का निशान लगा के लिखो आप कि धारा करंट I1 तथा I2 स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अर्थात ये अपन केस लेके चल रहे हैं कि करंट I1 तथा I2 ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वोल्टेज V1 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। इसी प्रकार वोल्टेज V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। ठीक है, अब अगर अपने पास में बहुत ही कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा प्रवाहित होती है तो समीकरण 1 और 2 में जो गणितीय परिवर्तन होता है वो निम्न होता है। तो लिखो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा में या फिर वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा अल्पमान की प्रवाहित होती है या फिर आरोपित होती है तो इनमें हुए परिवर्तन को गणितीय रूप में लिखने पर यहाँ पर अपने पास में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता अर्थात बहुत ही कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो इनमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। और मैथमेटिकल रूप में अपन ने इनको लिखा dV1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 dI2 समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से लिखते हैं dV2 इज इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 dI2 समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट एक लाइन और लिखो आप, क्योंकि
वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र रेखीय है तथा आंशिक अवकलन रेखीय होने के कारण आंशिक जो अवकलन है ना वो नियत रहेगा। आंशिक अवकलन नियत है और जिसकी विमा, जिसकी विमा प्रतिबाधा के तुल्य है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो अपन नेटवर्क यूज ले रहे हैं उसमें जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनका वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जिससे आंशिक अवकलन का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। और यहाँ पर ये जो आंशिक अवकलन है इनकी जो विमा अगर अपन देखें तो विमा देखते हैं तो विमा वी अपॉन आई का रूप है और वी अपॉन आई किसकी विमा है, प्रतिबाधा की विमा बनती है, प्रतिबाधा की विमा बनती है। अतः इनके जो परिवर्तन है ना, इनके परिवर्तन को अपन क्या मान लेते हैं कि वी तथा आई, मतलब वोल्टता में जो परिवर्तन है वो अपन ने बड़े वी के रूप में दर्शाया है और धारा में जो परिवर्तन है वो कैपिटल आई के रूप में दर्शाया है। तो जहाँ जहाँ यह परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कैपिटल आई वन या फिर कैपिटल आई टू का उपयोग करेंगे और यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे अपन, कैपिटल वी और कैपिटल वी वन और कैपिटल वी टू का प्रयोग करके समीकरण नंबर 3 और 4 को आगे बढ़ाते हैं। और 3 और 4 को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे वी वन इज इक्वल टू, ये अपने पास में किसकी विमा है, प्रतिबाधा की, तो इसको अपन ने एक बार के लिए क्या नाम दिया, जेड आई, और इसमें जो परिवर्तन है वो कितना आ गया, आई वन, प्लस ये विमा तो प्रतिबाधा की है लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबाधा बन रही है वो क्या है, ट्रांसफर इम्पीडेंस है। ट्रांसफर इम्पीडेंस ये वी वन इनपुट की तो वोल्टेज है और करंट क्या है, आउटपुट की, इसलिए इसको नाम अपन अभी देंगे। और इससे पहले यहाँ पर इसे लिखा जेड आर आई टू, समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट समीकरण 4 से वी टू इज इक्वल टू, ये भी प्रतिबाधा ही है, जेड एफ आई वन प्लस जेड ओ आई टू, समीकरण नंबर 6। अब अपन इनको क्या करते हैं कि ये अपन ने जो जेड पैरामीटर माने हैं ना, जेड आई, जेड आर, जेड एफ, जेड ओ, इनको अपन क्या करते हैं, इनको परिभाषित करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर जेड आई बराबर क्या बना, जेड आई इज इक्वल टू बना वी वन अपॉन आई वन, वी वन अपॉन आई वन, कब, जब आई टू बराबर क्या है, जीरो, तो आई टू इज इक्वल टू जीरो मानते हैं और आई टू इज इक्वल टू जीरो मानेंगे तो यहाँ से ये जेड आई क्या निकल के आएगा, वी वन बटा आई वन, तो इसको जो नाम है वो अपन देते हैं जेड आई, मतलब खुले परिपथ, बात किसकी हो रही है, खुले परिपथ की, तो खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा बनेगी, निवेशी प्रतिबाधा, जबकि आई टू इज इक्वल टू जीरो है, तो निर्गम टर्मिनल क्या है, खुली अवस्था में है, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया कि खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, तो इनपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, इनपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, जब वैन आई टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये जेड आई क्या बनेगा, इसको अपन ने निवेशी प्रतिबाधा का नाम दिया है, कौन से परिपथ के लिए, खुले परिपथ के लिए। आगे चलते हैं जेड आर,
तो जेड आर इज इक्वल टू बना वी वन अपॉन आई टू। अब देखो ये अपने पास में v बटा i का रूप तो है, तो बनेगी तो क्या प्रतिबाधा बनेगी, लेकिन यहां पर ये क्या है खुले परिपथ, खुले परिपथ के उत्क्रम, इसको नाम देंगे उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, जबकि आई वन इज इक्वल टू जीरो है। तो धारा आई वन तथा आई टू इज इक्वल टू जीरो है, तो ओपन सर्किट ही बन रहा है अपने पास में। इसी को अपन क्या कर सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन आई वन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आते हैं अपन जेड एफ पर। जेड एफ यहां से आ गया अपने पास में, देखो यही है जेड एफ वी टू बटा आई वन, तो ये आ गया वी टू बटा आई वन, ये बनेगा वी टू बटा आई वन। ठीक है, कब, जब I2 इज इक्वल टू जीरो है, तो I2 इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा जेड एफ इज इक्वल टू वी टू बटा आई वन। ये समीकरण आई किसे, समीकरण नंबर चार से आई है। ठीक है, तो इसको अपन नाम क्या देंगे, देखो है तो V बटा I का रूप, और V बटा I का रूप होने का मतलब ये बनेगी तो क्या प्रतिबाधा, क्योंकि अगले टॉपिक में जब अपन I बटा V का रूप देखेंगे ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि I बटा V क्या कहलाएगा, ये प्रवेश्यता कहलाएगा, एडमिटेंस बनेगी। अभी अपने पास में V बटा I का रूप चल रहा है, तो वो क्या बन रही है प्रतिबाधा बन रही है। अब देखो ये भी क्या है, ट्रांसफर इंपीडेंस ही है, क्योंकि वोल्टेज तो क्या है आउटपुट वाली और करंट क्या है इनपुट की, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या होगा, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, कौन से परिपथ की, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, जबकि I2 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट व्हेन I2 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं जेड ओ पर। ये अपने पास में जेड ओ इज इक्वल टू बनेगा V2 बटा I2। अब देखो V बटा I का रूप है, इसका मतलब है तो क्या प्रतिबाधा, लेकिन ये भी आउटपुट वाला, ये भी आउटपुट का, तो वोल्टेज भी आउटपुट की करंट भी आउटपुट की, तो यहां पर ये क्या बनेगा अपने पास में निर्गम प्रतिबाधा बन जाएगी, कौन से परिपथ के लिए, ओपन सर्किट के लिए, तो इसे लिखेंगे खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, जबकि I1 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये बनेगी अपने पास में आउटपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास में Z पैरामीटर आ गए, ZI, ZR, ZF और ZO, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ZI इनपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, ZR ये अपने पास में रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, ZF फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, और ये अपने पास में जेड ओ, ये है अपने पास में आउटपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन आई वन तथा आई टू इज इक्वल टू जीरो। ये है अपने पास में जेड पैरामीटर, जो न्यूमेरिकल आगे अपन इसके सोल्व करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
अब देखो अपने पास में समीकरण नंबर 5 और 6 है, तो समीकरण नंबर 5 और 6 को अपन लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, समीकरण नंबर 8। ये वही चीजें हैं, Z11, Z12, Z21 और Z22। समीकरण नंबर 7 और 8 को अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। आगे लिखो कि समीकरण 7 तथा 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर समीकरण 7 तथा 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे काम आती रहेगी। मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2 रूप बन गया अपने पास में, V इज इक्वल टू Z I या फिर IZ। ये है अपने पास में Z पैरामीटर, ठीक है। ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर, नेक्स्ट Y पैरामीटर अगले लेक्चर में। थैंक यू।